नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग अब नई नई पहल करते नजर आ रहा है। जहां प्रदेश के 200 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना होगी, तो वहीं 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना भी होने जा रही है। इसी को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सर प्रभावी उपयोग किया जाएगा, सर क्या रहेगा सर, थोड़ा उस विषय में। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी और उस शिक्षा विभाग ने प्रयास किया कि हमारे अपने शैक्षणिक परिसर में वो सब चीज़ें उपलब्ध हो जिसके कारण से हमारा प्रदेश का बच्चा देश में किसी भी चुनौती को सामना करने में सफल हो। और इसके साथ में जो संसाधन है, बाकी जरूरतें, वो हमने सब पूरी करने का प्रयास किया। 200 से ज़्यादा हमने अपने महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाने जा रहे हैं, 10 संभागों में हम डिजिटल स्टूडियो बनाएंगे। इसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा में जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। सर, दक्षिण के राज्यों में जिस तरह के गुणात्मक शिक्षा की आपने बात की, मध्य प्रदेश के राज्यों में भी सर उस प्रकार की सर यूनिवर्सिटी के लाने के लिए आप फोकस किया जा रहा है सर? निश्चित रूप से हमने कहा कि हमको बड़ी चुनौती के लिए सामने कोई ना कोई तो चाहिए। हम बड़े राज्यों को सामने रखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और मुझे संतोष है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार इसमें सफल हो रहे हैं। सर, रोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहता है, विपक्ष भी इसको हमेशा बनाता है, क्या रहेगा कि शिक्षा के बाद रोजगार से जोड़ने के लिए कि सर किस तरह की कवायद रहेगी? आपके सामने बताना चाहूँगा कि बीते साल कोरोना की लहर के बावजूद भी 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की ट्रेनिंग हमने अपने अध्ययन काल में ही कर दी कि जैसे वो डिग्री पूरी करें वो तुरंत जाकर के अपना काम करें या सर्विस में जाए, उस सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये जो समान रूप से हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनको स्वरोजगार की भी दक्षता हासिल हो, तो यही वो रास्ते हैं जिन रस्तों से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षा की सार्थकता भी सिद्ध करेंगे। सर, कुछ पद खाली हैं जिनको भरने की भाई बात की जा रही है कि अभी भी हायर एजुकेशन में कई पद खाली हैं सर? देखिए, हमने कहा कि PSC के माध्यम से लगभग 1500 पद हम भरने जा रहे हैं। पिछले समय में 6500 से ज़्यादा पद हमारे भरे हुए हैं। हम क्रमशः कोशिश कर रहे हैं कि 10500 पद हम भरें ताकि ये जो बीच का अभाव वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। मौजूद थे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उच्च शिक्षा में प्रभावी गुणवत्ता के लिए फोकस किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर काम कर रही है। भोपाल से BD सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।